अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से हम मिनी गार्डन में आ चुके हैं और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये लास्ट टाइम हम जो इंडोर के पौधे लेकर आए थे हमने इनको धूप में रख दिया। कराची में आजकल धूप इतनी ज़्यादा है कि ये फिर से मुरझाने लग गए, इनके पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसके तो पत्ते बिल्कुल ही जलने लग गए। ये हमारी गलती थी, हमने इनको इंडोर रखा नहीं, इसको ऊपर जो ढक दिया था, लेकिन उसकी वजह से भी फिर भी इनको हीट फील हुई जिसकी वजह से ख़राब होने लग गए। ये पौधा भी जो है इसके भी पत्ते ख़राब हो रहे हैं। तो दोस्तों हमने सोचा कि हम यहाँ पर जो है सामने शेड लगाएंगे इन हुक्स में, इस हुक से लेके ये सामने वाली दीवार के ऊपर जो है यहाँ पर शेड लग जाएगा, ये ऊपर की जगह कवर हो जाएगी। उससे ये होगा कि जो इंडोर प्लांट्स हम लाएँगे वो हम तमाम यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी दोस्तों देख सकते हैं कि फूल वाले जितने भी पौधे थे वालदा ने इनकी फिर से सेटिंग चेंज कर दी, इनको यहाँ ला कर रख दिए। तो दोस्तों ये पौधा भी जो है मुरझा गया है, हालांकि देखा जाए तो हम इनको पानी भी बिल्कुल टाइम पर दे रहे हैं। तो दोस्तों इंची टेप लेकर आए, हम नाप करते हैं कि हमें कितनी शीट चाहिए होगी। ग्रीन कलर का शेड आता है वो हम लेकर आते हैं शॉप से और इसकी सबसे पहले तो नाप करते हैं। दोस्तों तो हमने शेड नाप कर लिया, चौड़ाई हमें 9 फीट और 25 फीट जो है हमें लंबाई चाहिए होगी। तो हम जाते हैं शेड लेकर आते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later. दोस्तों तो हम ये शेड लेकर आ गए, अब इसको हम जो है सामने हुक्स में लगाएंगे और उसके बाद वहाँ से इस जगह पे हम हुक्स बनाएंगे या इसके ऊपर जो है डोरी लगा के हम इसका हम लोग नेफा बना के आए। तो हमें नेफे में ज़्यादा टाइम लग गया था तो अभी इसको लगाते हैं।
A few moments later. Finally, दोस्तों हम लोगों ने शेड लगा दिए पौधों को धूप से बचाने के लिए. तो दोस्तों आज हमारे धूप की वजह से जो पौधे जल गए थे उनमें एक ये पौधा है, ये बिल्कुल मुरझा गया धूप की वजह से. तो आजकल शदीद गर्मी है जिसकी वजह से हमने ये शेड लगाया. दोस्तों आज के लिए